फोर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट BTS। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों वैसे BTS के फैंस तो हर देश में हैं और इंडिया में भी इनके बहुत सारे फैंस रहते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग ब्राजील, तुर्की और रूस में है। फैक्ट नंबर टू, वैसे तो BTS बैंड के मेंबर्स के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, पर क्या आप जानते हैं कि ये केवल सिंगर नहीं है बल्कि ये काफी अच्छे डांसर भी हैं और इनके डांस मूव को आप इनके एल्बम में बाखूबी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, BTS के सभी मेंबर्स अपने स्टाइल और फैशन के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं और इस बैंड के हर मेंबर के कान छिदे हुए हैं और वो कान में इयररिंग्स भी पहनते हैं, पर केवल एक मेंबर अपने कान में इयररिंग्स नहीं पहनता और उसका नाम है जे होप। फैक्ट नंबर फोर, BTS ग्रुप के दो मेंबर्स जिमिन और जंगकुक को ही हर कोई असली नाम से जानता है, बाकी के सभी मेंबर्स के असली नाम कम ही लोग जानते हैं क्योंकि वो लोग अपने स्टेज के नाम से ही फेमस हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट BTS। दोस्तों BTS को जब पॉपुलैरिटी मिली तो दुनिया ने इनको जाना, पर BTS की सक्सेस के पीछे काफी मेहनत है जो किसी को नहीं पता है। BTS ग्रुप के मेंबर्स को पहले ट्रेनिंग के दौरान काफी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना पड़ता था। BTS ग्रुप को हाई कैलोरी खाना मना था। एक इंटरव्यू में RM ने बताया कि एक बार वो और वी रोड पर आइसक्रीम छुपकर खा रहे थे, तभी उन्हें एक ब्लैक कार अपनी तरफ आती दिखी। तब RM और वी को लगा कि ये ब्लैक कार कंपनी के स्टाफ की है और उनको लगा कि अगर उन्हें आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और फिर उसके चलते दोनों ने आइसक्रीम को अपनी पॉकेट में ही छिपा लिया और अपने कपड़ों को आइसक्रीम से खराब कर लिया। दोनों को बाद में पता चला कि वो कार कंपनी के स्टाफ की नहीं थी। इसके अलावा BTS ग्रुप के मेंबर्स को कभी कभी ट्रेनिंग के दौरान बस 3 घंटे ही सोने को मिलता था। तो दोस्तों ये होता है सक्सेस के पीछे का स्ट्रगल जिससे हम सब अनजान होते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट BTS। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि BTS को आज लोग जिस नाम से जानते हैं ऐसा नहीं होने वाला था, मतलब इस बैंड का नाम BTS के अलावा दूसरा नाम रखा जा रहा था। तब साउथ कोरियन बिग हिट एंटरटेनमेंट एजेंसी ने BTS को बिग हिट्स, यंग नेशन और भी कई नामों का सुझाव दिया, लेकिन आखिर में बियॉन्ड द सीन नाम फाइनलाइज हुआ जो कि BTS की फुल फॉर्म भी है। मगर दोस्तों BTS के बाकी नाम बस ट्रू BTS आर्मी को ही पता होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि BTS को बियॉन्ड द सीन के अलावा भी कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि बैंगटन सोनियंडन, बुलेट प्रूफ बॉय स्कॉट्स और बैंगटन बॉयज। दोस्तों अगर आप भी एक ट्रू BTS आर्मी हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट BTS मेंबर जे होप। दोस्तों जे होप के बिना आज BTS बैंड के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, पर BTS के डेब्यू से पहले से ही जे होप को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लगा कहीं ये डिसीजन बाद में गलत साबित ना हो जाए, इसीलिए जे होप ने बैंड को छोड़ दिया। बट RM नहीं चाहते थे कि जे होप ग्रुप को छोड़ दें, इसीलिए RM ने जे होप को बहुत समझाया कि वो बैंड को छोड़कर ना जाएं, और फिर बैंड के सभी मेंबर्स ने जे होप को मनाने के लिए बहुत कोशिश की। फिर बाद में जे होप वापस आने के लिए तैयार हो गए और फिर पूरे बैंड ने ब्लॉकबस्टर तरीके से अपना डेब्यू किया। दोस्तों बाकी तो आप भी जानते ही हैं कि BTS अब पूरे वर्ल्ड के टॉप K-pop बैंड्स की लिस्ट में आता है। थ्री अननोन फैक्ट्स अबाउट जंगकुक। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों जंगकुक का बचपन से सपना था कि वो बड़ा होकर एक बैडमिंटन प्लेयर बने, लेकिन बाद में जी ड्रैगन का हार्ट ब्रेकर सॉन्ग सुनने के बाद जंगकुक का मन एक सिंगर बनने का करने लगा और उसने डिसाइड किया कि वो एक सिंगर ही बनेगा। फैक्ट नंबर टू, जंगकुक ने बताया कि जब उसे कोई जंगकुक ओपा बुलाता है तो जंगकुक को बहुत अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है। फैक्ट नंबर थ्री, एक बार जब एक लड़की ने जंगकुक के अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत सारी ऑडियंस के सामने जंगकुक को जंगकुक ओपा कहकर चिल्लाया था ताकि उसे जंगकुक की अटेंशन मिल पाए, तो उसके में जंगकुक ने बताया कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वर्ड ओपा कोरिया में ओल्डर मैन या ओल्डर ब्रदर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि इस वर्ड का मतलब होता है बॉयफ्रेंड। और जंगकुक ने बताया कि अगर इसकी जगह लोग वर्ड बेबी को यूज करें तो जंगकुक को काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों आप जंगकुक के लिए ओपा वर्ड यूज करोगे या बेबी, कमेंट में जरूर बताएं। दी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट BTS। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों 2016 में जब BTS ने अपना पहला एल्बम विंग्स लॉन्च किया तो उससे पहले उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि वो K-pop हिस्ट्री बदलने वाले हैं। BTS का K-pop एल्बम बिलबोर्ड 200 चार्ट पर 26 नंबर पर डेब्यू हुआ और फिर ये K-pop हिस्ट्री का हाईएस्ट चार्टिंग एल्बम बन गया। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों जब जिमिन को बैंड से निकाल दिया जाने वाला था क्योंकि सेलेक्टर्स उन्हें शायद बैंड में होने के लायक नहीं समझ रहे थे, पर वी ने उन्हें काफी सपोर्ट किया और वी की वजह से ही जिमिन को बैंड से नहीं निकाला गया और अब जिमिन बैंड के सबसे ज्यादा पॉपुलर मेंबर्स में से एक हैं। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे सिंगर केवल सिंगिंग करते हैं, पर BTS के मेंबर मल्टी टैलेंटेड हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि BTS ग्रुप के मेंबर्स खुद ही लिरिक्स लिखते हैं और खुद ही सिंगिंग करके खुद से ही कोरियोग्राफी करते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक ट्रू BTS आर्मी हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।